हेलो एवरीवन, मैं नाम है मनदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के बारे में। आगे बढ़ने से पहले, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो भी वर्क डन किया जाएगा एक यूनिट चार्ज को लाने में, तो उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में यह भी पढ़ा था कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। जब तक कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब तक करंट रेगुलरली फ्लो करते रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो करंट का फ्लो भी बंद हो जाएगा। इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम एक डिवाइस सेल का यूज करते हैं जो कंडक्टर के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखता है, जिसके कारण करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करते रहता है उस सर्किट में। तो जैसा कि हम जानते हैं, सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल एक होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। A conductor having excess amount of electrons are negatively charged and is lower potential. इसको हम लोग lower potential के नाम से जानते हैं। ये होता है lower potential पे। And a conductor having deficiency of electrons, which is positively charged, is said to be higher potential. तो ये हो जाता है लोअर पोटेंशियल पे, जो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिवली चार्ज, उसे हम लोअर पोटेंशियल कहते हैं। एंड डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड हायर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेगा? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो करेंगे तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और जब करंट फ्लो करेगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसीलिए जब हम लोग एक सर्किट का डायग्राम बनाते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये था करंट के फ्लो से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, एंड करंट फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर। तो हम लोग आज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ एक जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम्स के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर के बीच में एक रिलेशन को शो किया है। देखते हैं ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ According to Ohm's law, the current flowing, through a conductor is directly proportional, is directly proportional to the potential difference, to the potential difference
across the ends of a conductor. Conductor at constant temperature. जी हाँ, तो according to Ohm's law, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends at constant temperature. At constant temperature, so I is directly proportional to V, where I is the current flowing through a conductor and V is the potential difference across its ends. किसी भी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, जो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो ये था ओम्स लॉ का स्टेटमेंट. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, potential difference across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through a conductor at constant temperature. तो relation को हम लोग change कर सकते हैं, proportionality को हटाएंगे. proportionality को हटाने के लिए हम एक constant term का use करते हैं, V is equals to R into I, where R is the constant called resistance. Called resistance. तो यहां पे R क्या है? R is the constant called resistance. Resistance क्या है? What is resistance? ये resistance अचानक यहां पे कहां से आ गया? तो resistance is the property of a conductor. Resistance क्या है? Resistance is the property of a conductor which opposes the flow of electric current through the conductor. Which opposes the flow of electric current. So, resistance is a property of a conductor which opposes the flow of electric current. वो electric current के flow को oppose करता है किसी भी conductor में. ये resistance का property है. तो रेसिस्टेंस जब इस रिलेशन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई I. लेकिन यहां पे रेसिस्टेंस ना ही पोटेंशियल डिफरेंस पे ना ही करंट पे डिपेंड करता है. रेसिस्टेंस विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर. रेसिस्टेंस विल ऑलवेज, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हल्का सा जानकारी ले लेते हैं. रेजिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो रेजिस्टेंस ना ही पोटेंशियल डिफरेंस और ना ही करंट पे डिपेंड करता है. रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? नेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो ये था रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी. रेसिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करता है रेसिस्टेंस. ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं इस रिलेशन को. देखो, हम लोग बहुत तरीके से लिख सकते हैं, R is equals to V by I. अब हम लोग इसी को, ये रेसिस्टेंस के लिए हो गया, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट. द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को हम लोग और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. रेजिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. सो द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम, denoted by this. The SI unit of resistance is ohm. इस तरीके से हम इसको denote करते हैं. ठीक है, तो अगर हम इसको वापस से पढ़ें, what is 1 ohm?
व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम क्या होगा? अगेन याद होगा, अगर जो मेरे साथ रेगुलर है, वो पिछले क्लास में मैंने एक इलेक्ट्रिक या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट को डिफाइन करने का तरीका बताया था। कैसे? तो सिंपली फॉर्मूला लिखिए, R इज इक्वल टू V बाई I, पोटेंशियल डिफरेंस का 1 वोल्ट होता है SI में, करंट का 1 एम्पियर होता है। तो व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर when 1 volt of potential difference is applied across the ends of a conductor and 1 ampere of current is flowing through it. याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में हम व्हाट इज रेसिस्टेंस ना पूछ करके व्हाट इज ओम पूछ दिया, व्हाट इज 1 ओम, तो हमें उसको SI यूनिट में ही उसका आंसर करना है। इसीलिए सिंपल तरीका है, फॉर्मूला याद कीजिए रेसिस्टेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग 1 वोल्ट लिखते हैं SI यूनिट में और करंट को हम लोग 1 एम्पियर लिखते हैं। तो व्हाट इज 1 ओम? 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये था रेसिस्टेंस के बारे में, और साथ ही हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं यहां से पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के लिए भी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं R इज इक्वल्स टू V बाई I, यहां से हम लोग अगर I के लिए निकालना चाहे रिलेशन, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R, और अगर हम लोग V के लिए रिलेशन निकालना चाहे, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिलेशन निकालना चाहे, तो V इज इक्वल्स टू R इंटू I। तो ये 3 अलग अलग रिलेशन की मदद से अब हम लोग डिफरेंट कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अब तो अगर हम लोग आर के लिए रिलेशन देखें, तो यहां पे क्या है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब कि अगर रेजिस्टेंस को हम डबल करते हैं देन द करंट विल बी हाफ, इफ द रेजिस्टेंस विल बी हाफ देन द करंट विल बी डबल। उसी तरीके से इस रिलेशन में भी अगर हम लोग देखें तो I क्या है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। सो यहां पे करंट क्या होगा, जैसे ही हम लोग करंट को डबल करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। अगर हम लोग करंट को हाफ हो जाता है, इसका मतलब रेसिस्टेंस क्या है, वहां पर डबल है, रेसिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, तो ये था रिलेशन रेसिस्टेंस का करंट के साथ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। तो यही था ओम्स लॉ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट या फिर क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट्स का आंसर देने का जरूर से जरूर कोशिश करूंगा।